गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने नाइन्थ क्लास का जो अध्याय नंबर 6 चल रहा था उत तक उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय नंबर 6 उत तक टिश्यू पढ़ रहे थे अपन। उत तक के अंदर अपन ने पादप उत तक पढ़ रहे थे, है ना। उत तक को दो भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने, पहले पादप उत तक और जंतु उत तक। ठीक है, एक बार पादप उत्तक अपन पढ़ रहे हैं, तो पादप जंतु उत्तक बाद में पढ़ेंगे, पहले पादप उत्तक कंप्लीट करें। पादप उत्तक को फिर अपन ने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में। पहला था आपके विभुज्य उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा था आपके स्थायी उत्तक। ठीक है, विभुज्य उत्तक के तीन भाग कंप्लीट पढ़ लिए अपन ने। स्थायी उत्तक के आपके अपन ने दो भागों में बांटना था अपन को। स्थायी उत्तक को पहला था आपके सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक हो गया और जटिल स्थायी उत्तक है। तो सरल स्थायी उत्तक को अपन ने तीन भागों में बांट कर पढ़ लिया। इसको सरल स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा अपन ने? तीन भागों में बांटा था, जिसके अंदर थे आपके पेरेन्काइमा, है ना। सरल स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने? तीन भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको तीन भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने। एक बार वापस जो पढ़ लिया है, दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ना। सबसे पहले था आपके पेरेन्काइमा, इसको पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ लिया कोलेन्काइमा और लास्ट में अपन ने पढ़ लिया इसको स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपन ने तीनों प्रकार पढ़ लिए सरल स्थायी उत्तक के, ये तीनों कंप्लीट कर लिए। फिर अपन ने इसके अंदर रंध्र भी पढ़ा, रंध्र की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगली क्लास, अब ये तो कंप्लीट हो गया अपन। आज अपन शुरू करेंगे जटिल स्थायी उत्तक। क्या करेंगे? जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो है आपके जाइलम और दूसरा है आपके फ्लोएम। ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम, इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसको भी विभुज्य उत्तक को तीन भागों में बांटा था, ये पढ़ चुके हैं, वापस बता देता हूँ एक बार। शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और था आपके पार्श्व, ये तीन भाग थे विभुज्य उत्तक के। पादप उत्तक के अंदर ये कंप्लीट हो गए आपके, विभुज्य उत्तक कंप्लीट पढ़ लिया अपन ने, सरल स्थायी उत्तक पढ़ लिया, इन तीनों के पूरे गुणधर्म पढ़ लिए, कहाँ पाए जाते हैं, कितना अवकाश पाया जाता है इनके अंदर, इनके क्या गुणधर्म है, ये सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली। आज अपन जटिल स्थायी उत्तक शुरू करेंगे, जिसके अंदर जाइलम एवं फ्लोएम दो भाग हैं जटिल स्थायी उत्तक के। ठीक है ना। तो समझ में आ गई अपन किस टॉपिक पर जा रहे हैं, जटिल स्थायी उत्तक के अंदर। तो आज अपन जटिल स्थायी उत्तक को आगे पढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है आपके जटिल स्थायी उत्तक के अंदर सबसे पहले है पादप उत्तक का विभुज्य उत्तक पढ़ लिया अपन ने। तो पादप उत्तक के अंदर हेडिंग लगाए अपन जटिल स्थायी उत्तक। इस सरल स्थायी उत्तक कंप्लीट हो गया अपने, तो नंबर टू एक बार थोड़ा वापस लिख दे रहा हूँ। पादप उत्तक के अंदर है आपके सेकेंड वाह भाग जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अब देखो जटिल स्थायी उत्तक को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। एक बार मैं इनके जो प्रकार हैं, इन फ्लोएम एवं जाइलम को भी चार चार भागों में बांटा गया है, वो आप नाम लिख लो पहले, फिर उसके बाद में पहले जटिल स्थायी उत्तक की चलो परिभाषा लिखवा देता हूँ मैं आपको, कि जटिल स्थायी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में, फिर उसके बाद में इनके प्रकार की बात करेंगे। तो अब तक तो अपन ने क्या पढ़ा, सरल स्थायी उत्तक जो क्या होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए उत्तक हैं। सरल उत्तक क्या होते हैं यहाँ पे, एक ही प्रकार की कोशिका से, है ना। सरल स्थायी उत्तक तो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हुए होते थे, लेकिन जो अपन जटिल स्थायी उत्तक पढ़ेंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पढ़ेंगे।
जिसके अंदर क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के तरह कार्य करते हैं। आई बात समझ में? तो जटिल स्थायी उत्तक किसे कहेंगे, किसकी परिभाषा के अंदर अपन लिखे हैं, इसमें क्या होता है, एक से जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बने होते हैं। नहीं बात, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी क्या होते हैं आपके, एक साथ मिलकर ये सभी क्या करते हैं आपके, एक साथ मिलकर क्या, किसका निर्माण करेंगे, एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो ये बातें हुई जटिल स्थायी उत्तक के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती है ना, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है इसके अंदर, किसके अंदर, जटिल स्थायी उत्तक के अंदर। सरल स्थायी उत्तक के अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसके अंदर क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की, और सभी एक साथ मिलकर क्या करती है, एक इकाई के रूप में कार्य करती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, दो एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर आपके, एक तो जिसके अंदर है आपके जाइलम एवं फ्लोएम, एक लाइन और लिखो निश्चय, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम, क्या नाम है इनका, जाइलम एवं फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक हैं, जटिल स्थायी उत्तक हैं। आई बात समझ, जाइलम एवं फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक है, आई बात समझ में। और जाइलम एवं फ्लोएम को अपन साथ में मिलकर ये क्या कहते हैं, श्वयन उत्तक कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को संवहन, क्या कहा जाता है, इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। आई बात, इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं अपन, संवहन उत्तक कहते हैं। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं आपके, संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। आई बात समझ, इन दोनों को क्या कहते हैं, संवहन उत्तक, किसको, जाइलम एंड फ्लोएम। जटिल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को साथ में कहते हैं संवहन उत्तक। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे आपके, ये दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, किसका, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन, संवहन बंडल कौन से उत्तक बनाते हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संवहन बंडल को। इन दोनों को क्या कहते हैं अपन, संवहन उत्तक कहते हैं, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये संवहन बंडल, बड़े बड़े एग्जाम के अंदर रहता है। संवहन बंडल कौन से उत्तक निर्माण करेंगे आपके, जाइलम एवं फ्लोएम, तो याद रह जाएगा। इसके अंदर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार की, सभी एक साथ मिलकर इकाई की तरह कार्य करती है। एग्जाम्पल हो गए जैसे जाइलम और फ्लोएम, जटिल स्थायी उत्तक है, ये संवहन उत्तक भी कहते हैं इनको। दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे आपके, संवहन बंडल का निर्माण करेंगे। एक तो हो गया आपके जाइलम, दूसरा हो जाएगा आपके फ्लोएम। आगे बात समझ, जटिल स्थायी उत्तक की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अपन ने लिखे। अब इनके क्या करें अपन, इनके भाग देखते हैं। जटिल स्थायी उत्तक को दो भागों में बांटकर
इनके प्रकारों को देखते हैं। तो मिटा दो ये चीज़ें, आ गई आपके समझ में, लिख लिया। अब अपन जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार देखते हैं। देखो ज़्यादा आपके डीप दिया हुआ नहीं है, सिर्फ नाम नाम याद रखना है आपको, सिंपल सी बातें हैं। एक एक कार्य है वो बता देता हूँ मैं इनका। अपन क्या जो आपके सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जटिल स्थायी उत्तक को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चार्ट बनाकर बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। जटिल स्थायी उत्तक, इसको दो भागों में बांटते हैं अपन। कितने भागों में? दो भागों में। पहला हो जाएगा आपके कौन सा? जाइलम। पहला प्रकार क्या है इसका? जाइलम। और दूसरा ये बना लो आप भी साथ साथ में, जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो दो प्रकार हो गए इसके, जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम को भी कितने भागों में बांटा गया आपके? चार भागों में। और फ्लोएम को भी कितने भागों में बांटा गया आपके? चार भागों में। जाइलम एवं फ्लोएम, इसको भी अपन ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम। अब इनको चार चार भागों में, दोनों को बांटा गया चार चार भागों में। तो सबसे पहले देखो जाइलम के चार भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है जाइलम का, जाइलम ट्रेकिड या वाहिनी का। यही बात समझ में, क्या हो जाएगा इसका? वाहिनिका, पहला प्रकार। दूसरा है इसका वाहिका, दोनों अलग अलग हैं, वाहिनिका वाहिका। तीसरा है जाइलम मर्दुतक या जाइलम पेरेनकाइमा, क्या है? जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथा प्रकार हो जाएगा इसका जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे, जाइलम रेसे, या इंग्लिश में कहें तो इसको फाइबर, ठीक है। तो जाइलम रेसे या जाइलम फाइबर। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके प्रकार इसके, जाइलम के। आगे वह इन वाहिनिका को ट्रेकिड भी कहते हैं, ये भी लिख लेना आप। ट्रेकिड क्या कहते हैं इनको? ट्रेकिड इंग्लिश में। तो ये हो गए आपके इसके जाइलम के चार प्रकार। अगली बात समझ में। अब अपन बात करें फ्लोएम के चार प्रकार, फिर इनके कार्य देखेंगे। फ्लोएम के भी क्या हैं आपके? चार प्रकार हैं इसके अंदर। देखो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये आपके चार नंबर। तो जाइल फ्लोएम के चार प्रकार के अंदर अपन बात करें तो फ्लोएम के भी चार प्रकारों के अंदर सबसे पहले है चालनी कोशिकाएँ। पहला नाम क्या हो जाएगा इसके अंदर? चालनी कोशिकाएं, ठीक है। दूसरे की बात करें अपन तो चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, ठीक है। तीसरी बात करें अपन तो फ्लोएम पेरेनकाइमा, क्या है? फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम मर्दुतक। और एक और है आपके फ्लोएम रेसे, और एक और होता है पांचवा प्रकार भी इसका, जो है आपके छाती कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये आपके इसको पांच भागों में बांटा गया है। ये चार्ट बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, सीधा याद रखना है ना। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर क्या है? वाहिनिका वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम के अंदर चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम रेसे और छाती कोशिकाएं। ये पांच प्रकार के अवयव हैं इसके अंदर। आई बात, अब इनके अपन एक एक थोड़े छोटे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो देख लेते हैं। आई बात समझ में, बना लिया आपने एक एक के जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं। जाइलम का कार्य क्या है?
सिंपल सी बात ये ध्यान रखें कि जाइलम क्या करता है, आपके पानी एवं खनिज लवणों का वहन करता है। आई बात समझ में? और ये जो आपके फ्लोएम है ये भोजन का वहन करता है, तो ध्यान रखना। जाइलम मतलब, जाइलम का मतलब क्या है, इसके अंदर ज आ रहा है तो जे का मतलब ये जल का वहन करता है, ध्यान रख लेना। जैसे जाइलम और जैसे ही जल, तो ये ध्यान रखना। ट्रिक है सीधी सिंपल सी, याद रखो ये किसका वहन करेगा, आपके जल एवं खनिज लवणों का, लवणों का परिवहन। आई बात समझ में? जाइलम जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। इसके अलावा आपकी बात करें अपन तो फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, पौधों को भोजन के विभिन्न भागों, पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करता है। तो ये किसका करेगा, आपके भोजन का परिवहन, ये ध्यान रखें आप। पहली बात तो ये इनका इम्पोर्टेंट कार्य हो गया। अगली बात समझ, जाइलम क्या करेगा, आपके जल का परिवहन, जल एवं खनिज लवणों का, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जो अपन पादप के अंदर भोजन कौन बनाता है, पत्तियाँ बनाती है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है, और वो पत्तियों से जो भोजन है विभिन्न भागों तक, जड़ों तक, तने तक, शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। ये दोनों साथ साथ में होते हैं, एक तरफ ये जल लेके जाता है जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है। तो आगे बात समझ में आपके, ये चार प्रकार, अब इनके एक एक जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ट्रेकिड है, इनकी वाहिका की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और इनमें क्या होती है, अपरिपक्व कोशिकाएं पाई जाती है, और वाहिकाओं की संरचना क्या होती है, आपके नलिकाकार होती है, जो आपके पानी एवं भोजन का संवहन करती है। तो देखो इनकी बात करें ट्रेकिड, और इनके साथ साथ में लिख लो आप, एक एक लाइन है, वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो वाहिनिका, इनकी क्या होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, क्या होते कोशिका, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, वाहिकाएं हूँ, इनकी क्या होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगली बात समझ में, इसके अलावा इनमें क्या होती है, अपरिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, अपरिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, मतलब ज़्यादातर कोशिकाएं जो अपरिपक्व है वो मृत होती है। और बात करें अपन तो इसके अंदर वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, आपके नलिकाकार संरचना होती है, नाम से पता चल रहा है इनकी संरचना क्या होती है, नलिकाकार, नलिकाकार संरचना होती है इनकी। और बात करें तो ये नलिकाकार होने के कारण किसका करती है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करती है, ये भी लाइन लिख लें, जल एवं खनिज लवणों का क्या करेगी है, आपके परिवहन करेगी। और इसके अलावा पेरेन्काइमा क्या करता है, ये पेरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का स्टोरेज करने का कार्य करता है। और रेसे क्या करते हैं, आपके रेसे सहारा प्रदान देने का कार्य करती हैं, किसका, पादप को सहारा देने का कार्य करते हैं। आगे ये इन सब के कार्य हो गए। देखो वाहिका, वाहिनिका, इनकी कोशिका भित्ति क्या है, मोटी होती है, इन दोनों की बात हो गई, आई बात समझ में। और अपरिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, जिसमें ये दोनों नलिकाकार होती है, तो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करती है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, आपके भोजन का संग्रहण करता है। और रेशे क्या करते हैं, पादप को सहारा देने का कार्य करते हैं। अगली बात समझ में, यहाँ तक इन चारों के अलग अलग वर्क हो गए। अब फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं क्या होती है, छिद्रित होती है, छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती है। अगली बात समझ, चालनी नलिकाएं की बात कर रहा हूँ मैं आपके, चालनी नलिकाएं ये क्या होती है, आपके इनके अंदर छिद्रित कोशिकाएं, छिद्रित भित्ति वाली होती है, ये कोशिका भित्ति क्या होती है, छिद्रित भित्ति है। और बात करें अपन तो इसके गुणधर्म के अंदर, ये नलिकाकार कोशिकाएं हैं, कैसी होती है, आपके नलिकाकार कोशिका, नलिकाकार कोशिकाएं हैं ये। और बात करें अपन तो इसके अंदर नलिकाकार कोशिका के अलावा फ्लोएम की पत्तियों से भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता ही है। इस रेशे की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है,
नहीं बात समझो, इसकी तो कोशिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाएं, और बाकी सब के अंदर क्या होती है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। अगली बात समझ में, तो ये इनके कार्य हो गए फ्लोएम का, और इंपॉर्टेंट वर्क लिख दिया मैंने आपको, भोजन का परिवहन का कार्य करती है। आई बात समझ में, फ्लोएम क्या करता है, आपके भोजन के परिवहन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आपके जटिल स्थायी उत्तक के विभिन्न भाग हो गए और कंप्लीट हो गई, जो मैंने आपको चार्ट के द्वारा समझा दिया। आपकी डिटेल पूरी किताब में लिखी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ सकते हो आप। जो इनके इम्पोर्टेंट कार्य थे वो बता दिए मैंने आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये ज़्यादा है नहीं। तो पादप उत्तक के अंदर पहला अपन ने पढ़ लिया सरल स्थायी उत्तक, तीनों भाग जिनको मैंने तीनों से अलग अलग पढ़ा दिया, और रंध्रों के बारे में बता दिया। फिर आपके जटिल स्थायी उत्तक को दो भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने, जटिल स्थायी उत्तक पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम के चार भाग थे आपके वाहिका, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रसे। वाहिनिका एवं वाहिनिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है, अपरिपक्व मृत कोशिकाएं होती है, नलिकाकार होती है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करती है। पेरेन्काइमा क्या करता है, जाइलम पेरेन्काइमा में भोजन का संग्रहण, और रसे क्या करते हैं, सार देने का कार्य करते हैं। इसके अंदर चालन नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली होती है, नलिकाकार होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, और भोजन का परिवहन कार्य का करती है, और सिर्फ फ्लोएम रसे होते हैं जो मृत कोशिकाओं के होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पादप उत्तक के अंदर जो भाग है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या है, पादप उत्तक के अंदर जो आपके भाग है वो कंप्लीट हो गया, जिसके संदर्भ में अपन ने बातें कर ली। पादप उत्तक के अंदर अपन ने बातें कर ली कि जो जटिल स्थायी उत्तक था, और जटिल स्थायी उत्तक के अंदर अपन ने बात कर ली आपके सरल स्थायी ए जाइलम और फ्लोएम के पूरे कंप्लीट भागों के बारे में, ठीक है। इसके आगे की बातें अपन क्या करेंगे आपके अगली क्लास में करेंगे, कि जो जटिल स्थायी उत्तक के संदर्भ में कंप्लीट हो गया ये, अब अपन जंतु उत्तक है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।